जाता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना तो दोस्त और ना ही दुश्मन। राजस्थान की राजनीति में इस बात के सबसे बड़े गवाह के रूप में अगर किसी का नाम लिया जा सकता है तो वह नाम है सचिन पायलट का। सचिन पायलट की दोस्ती और दुश्मनी लगातार बदलती रही। एक नजारा अजमेर में देखने को मिला जब सचिन पायलट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए अजमेर पहुंचे तो उनके स्वागत में जो चेहरे सर्किट हाउस में जमा थे उनमें से कई चेहरे ऐसे थे जिनकी मौजूदगी चौंकाने वाली थी। इन चेहरों में सबसे ऊपर नाम गुजरात के प्रभारी रह चुके पूर्व मंत्री रघु शर्मा का है। रघु शर्मा एक दौर में सचिन पायलट को अपना राजनीतिक आका तक स्वीकार कर चुके थे। अजमेर में लोकसभा का उपचुनाव जीतने के बाद रघु शर्मा ने बकायदा सचिन पायलट के पैर छूकर सार्वजनिक रूप से यह दर्शाने की कोशिश की थी कि पायलट उनके राजनीतिक जीवन में बेहद ही महत्वपूर्ण है और रघु शर्मा का समर्पण पायलट के लिए है। लेकिन जब पायलट अपने राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ रहे थे तो रघु शर्मा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पाले में जाकर बैठ गए। लेकिन अब एक बार फिर समय बदल चुका है और जब सचिन पायलट अजमेर पहुंचे तो रघु शर्मा अपने समर्थकों के साथ उनकी अगुवानी में खड़े दिखाई दिए। सीएम अशोक गहलोत के खेमे के माने जाने वाले पूर्व विधायक नाथुराम सिनोदिया और श्री गोपाल बाहेती भी सर्किट हाउस में अपने समर्थकों के साथ घंटे पहले पहुंच गए और पायलट का इंतजार करते दिखाई दिए। इसके अलावा अजमेर में पायलट की अगुवानी में गहलोत खेमे के कई बड़े नाम दिखाई दिए जिनको लेकर अब अजमेर में चर्चाएं जोरों पर है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पायलट जिस तेजी के साथ राजनीतिक रूप से मजबूत हुए हैं उसके चलते गहलोत खेमे को भी लगने लगा है कि अजमेर में विधानसभा का टिकट वितरण बिना पायलट की सहमति के नहीं होगा और यही वजह है कि पायलट के धुर विरोधी माने जाने वाले कांग्रेस नेता भी अब पायलट शरणम गच्छामी होते दिखाई दे रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं अजमेर के 8 विधानसभा सीटों के बारे में जहां 2 पर कांग्रेस, 1 पर निर्दलीय और 5 पर बीजेपी का कब्जा देखने को मिलता है। अजमेर उत्तर में वासुदेव देवनानी भाजपा से विधायक है। अजमेर दक्षिण की बात करें तो अनीता भदेल वहां पर भाजपा से है। पुष्कर में सुरेश रावत जो कि भाजपा से है। नसीराबाद में रामस्वरूप लांबा जो कि बीजेपी से विधायक है। ब्यावर में शंकर सिंह रावत भाजपा से। मसूदा से राकेश पारिक कांग्रेस की तरफ से है। केकड़ी से रघु शर्मा कांग्रेस की तरफ से विधायक। किशनगढ़ में सुरेश टाक निर्दलीय विधायक। संघर्षपूर्ण चुनाव होगा इसमें कोई दो राय नहीं। और जो केकड़ी की और जो मसूदा की जो सीटें हैं जो अभी मौजूदा समय में जो क्या नाम से कांग्रेस के पास हैं, केकड़ी से क्या नाम से रघु शर्मा जो कैबिनेट में मंत्री रहे और अभी क्या नाम से गुजरात के प्रभारी हैं, वो पूरी ताकत से वहाँ चुनाव लड़ेंगे दोबारा से। और अब ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 2023 के महारण में कौन किसके पाले में शामिल होगा। राजस्थान तक के लिए अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा की रिपोर्ट।